हेलो क्लास 9th एंड 10th स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ाई मैटर्स। और मैं आपका भैया अनुराग सिंह। आज हम लोग जानेंगे कि सैंपल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर में क्या अंतर है, मतलब कौन हमें किस चीज़ को प्रेफर करना चाहिए। तो क्या मेन मेन पॉइंट है उसको देख लेंगे अपने एग्ज़ाम को मजबूत बनाने के लिए। तो अब सैंपल पेपर, इसमें मैंने कुछ पॉइंट लिया है ताकि हम समझ सकें कि क्या हमारे लिए अच्छा होगा। तो इसका कोई ये मतलब नहीं है कि आपको सैंपल पेपर नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं अगर बात करूँ कि सैंपल पेपर और या करूँ या फिर प्रीवियस ईयर, तो उसके लिए बोला गया है। तो पहला पॉइंट है कि सैंपल पेपर रिलेवेंट हो भी सकता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं रिलेवेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो तो रिलेवेंट था, इसीलिए आया पेपर में। दैट्स अ रियलिटी। और उसके बाद दूसरा पॉइंट है, सैंपल पेपर से बहुत लोग बोलते हैं कि एग्ज़ाम का आइडिया मिलता है। हाँ, मैं इसमें मना नहीं कर रहा हूँ, 100% आपका सही है, लेकिन जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, वो तो प्रीवियस में आया हुआ है, तो उससे ज़्यादा तो आइडिया वहाँ से मिल जाएगा। ओके, फिर उसके बाद अब आप सैंपल पेपर से मतलब पैटर्न, या फिर उसका पैटर्न ना सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, उससे आप पैटर्न नहीं बल्कि जो क्वेश्चंस आए हैं उसके बिहाव पे आप इंपॉर्टेंट पोर्शन को भी जान सकते हो। तो आपको पता चला इस 3 पॉइंट से क्या हमारा रिजल्ट निकलता है, इस 3 पॉइंट से यही रिजल्ट निकलता है कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। उसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा है क्योंकि वो आया है, उसे एग्जामिनर ने बनाया है। तो मैं किसी भी सैंपल पेपर कंपनी पर नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपको अगर किसी भी चुनना है कि सैंपल पेपर करूं या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो सीधा बिना कुछ सोचे समझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए और आपका नंबर अच्छा आएगा। 90% जो क्वेश्चन होंगे उसी से रिलेटेड होंगे टॉपिक जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, क्योंकि हिस्ट्री तुरंत बदल नहीं जा सकती। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो से मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपकी मदद हुई होगी, और इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।